दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार और आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। मेरा चैनल का नाम है के अमन राजपूत। तो आज का टॉपिक है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब होता है अधिकार। जैसे मान लिया हम कोई कार्य कर दिया और उसका रुकी हो गया या फिर कोई चुरा दिया, तो उसके बाद हम लोग FIR जैसे करते हैं, उसी तरह से यूट्यूब में होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है यूट्यूब में। कॉपीराइट का मतलब उसमें अलग थोड़ा अलग होता है, लेकिन अधिकार टाइप। जैसे मान लिया किसी का वीडियो फोटो वोटो और ऑडियो आप किसी का यूज कर लेते हैं, तो उसमें आपको कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट भी बहुत किस्म का आगे बताएंगे। तो चलिए, हम लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर जरूर करें, कमेंट लाइक जरूर करें और देखें जरूर पूरा एंड तक वीडियो। तो दोस्तों, मैं बताऊं कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? उस कॉपीराइट का मतलब होता है अधिकार। मतलब जैसे मैं अभी पहले बता चुका हूं, तो कॉपीराइट तीन प्रकार के होते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम, उसके बाद मोनेटाइजेशन शेयरिंग। तो पहला में क्या हम बताया कि कॉपीराइट स्ट्राइक। देखिए, कॉपीराइट स्ट्राइक मान लीजिए किसी का आप वीडियो डाउनलोड करके उसका डाल दिए, उसका कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आप में आ रहा है, तो उसका वो ये 3 महीना तक रहता है और बहुत डेंजरस होता है। तीनों में से सबसे डेंजरस फर्स्ट वाला होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। उसमें क्या होता है, अगर आप 3 बार डाल दिए वैसा तरह का वीडियो और उसमें स्ट्राइक लग गया 3 महीना वाला 3 बार, तो बस उसमें आपका चैनल सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप वीडियो भी डिलीट हो जाएगा। इसलिए मैं ये सावधानी बरतने के लिए कर रहा हूँ कि नियम यूट्यूब का बहुत ही खराब भी है, एक तरफ से अच्छा भी है। तो दूसरा में आता है हमारा कॉपीराइट क्लेम। देखिए, अगर कोई वीडियो आप डाले उसमें, जैसे मैंने कोई वीडियो बनाया और उसमें कोई भी गाना डाल दिया, तो गाना डालने के बाद जैसे मान लीजिए टी सीरीज अगर गाना है, तो टी सीरीज क्या होगा, उसका कॉपीराइट क्लेम वो भेजेगा। तो कॉपीराइट क्लेम के आने के बाद उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए वीडियो अगर बहुत चला या चला चाहे नहीं चला, क्लेम तो आया है। उसके बाद क्या होता है, अगर जितना व्यू होगा उस सब मतलब उसका व्यू का जितना भी पैसा मोनेटाइजेशन डिजाइबल हो जाएगा मेरे में से, उसमें जितना भी उसमें व्यू आएगा सब उसको पैसा मिलेगा। अगर पैसा अगर आएगा तो सब उसमें पैसा चल जाएगा। उसका तीसरा में आता है हम लोग का मोनेटाइजेशन शेयरिंग। मोनेटाइजेशन शेयर मान लीजिए कोई का हम कोई भी वीडियो डाले उसमें मोनेटाइजेशन शेयरिंग आ गया, तो उसके बाद क्या होता है उसमें मोनेटाइजेशन शेयरिंग में, जैसे मेरा जैसे हम कोई वीडियो डाले तो उसमें क्या होता है, अगर वीडियो डाले हैं तो उसमें आधा हमको मिलेगा, आधा और दूसरे को जिसका वीडियो हम चुरा के डाले उसको आधा मिलेगा। तो इसका देखिए, यहाँ पर एनकाउंटर फाइल नाम करके आता है, वहाँ पर जाकर आप क्लेम कीजिएगा, इसका निदारण है। अगर मान लीजिए गलती से हो गया चाहे वो वहाँ पर बताइएगा, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका चैनल जो है बच जाए, नहीं तो आप जाके उसका जो क्लेम किया उसका ईमेल में जाके बताएगा, सॉरी वो बताइएगा, तो शायद वो कर दे, नहीं तो आपका ऐसा कोई उपाय नहीं। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।